नमस्ते। आज मैं आपको YouTube का एक फीचर बताने वाला हूँ, प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना YouTube पे लॉगिन कर लेना है इस प्रकार से, और फिर आपको क्लिक करना है यहाँ पर क्रिएट पर। यहाँ पर आप अपलोड वीडियो पे जाएंगे। यहाँ से आपकी जो वीडियो है वो सिलेक्ट करेंगे, इसको आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके बाद आपको जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है प्लेलिस्ट, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको क्रिएट प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। अब प्लेलिस्ट का मतलब क्या होता है कि आप जो भी वीडियोस डाल रहे हैं वो एक सीक्वेंस में डालें। मतलब कि अगर आप कोई एक वीडियो, कुछ वीडियोस बना रहे हैं, और वो एक चैप्टर के कुछ वीडियोस हैं, तो आप चैप्टर वन लिख करके एक प्लेलिस्ट बना सकते हैं, और उसके अंदर जितने भी वीडियोस आएंगी वो आप उस चैप्टर के अंदर डाल देंगे। तो एक चैप्टर के अंदर जितनी वीडियोस होंगी तो आपकी प्लेलिस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चैप्टर वन, ठीक है, देन क्रिएट कर देंगे, और जो आपकी, अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे, डन कर देंगे। तो इसका मतलब है कि जो ही आपने वीडियो अपलोड की है वो अभी चैप्टर वन के अंदर जाएगी, ठीक है। फिर नीचे ऑप्शन पे आप ये नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ से आप पब्लिक प्राइवेट जो भी आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से कर सकते हैं, देन पब्लिश। अब आपकी ये वीडियो हो गई है, ठीक है। ऐसे ही आप नेक्स्ट कोई वीडियो डालना चाहेंगे तो आप दूसरी एक नई वीडियो डाल सकते हैं। माय सेकंड वीडियो, देन इसको भी आप चेंज कर देंगे, ठीक है। जो आपने यहाँ पर प्लेलिस्ट क्रिएट की थी, प्लेलिस्ट का नाम क्रिएट किया था चैप्टर वन, इसको सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। तो ये यानी कि जो दोनों वीडियोस हैं आपकी वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगी। YouTube में जब भी आपकी वीडियो अपलोड होगी और कोई भी इसको देखेगा, तो जो चैप्टर वन होगा, तो जितनी वीडियोस आपकी चैप्टर वन में सीक्वेंस वाइज डली होंगी वो सारी वन बाय वन चलती रहेंगी। हेलो जी सर, तो ये पूरा हो जाने पर आप देख पाएंगे कि ये दो वीडियोस हैं आपकी, वो आपकी प्लेलिस्ट के अंदर है। तो जो भी आपकी ये वीडियो सर्च करेगा वो एक सीक्वेंस में आएगी, ठीक है। तो यही हमारा प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो एक बार ये पूरी हो जाए तो मैं आपको शायद शो भी करा बाकी दूंगा। जी, हाँ बाकी सारा प्रोसेस सेम है बस। ये देखिए, तो यहाँ पर आपकी प्लेलिस्ट तैयार हो गई है। प्लेलिस्ट में आपका एक जो प्लेलिस्ट बनी है वो चैप्टर वन में बनी है। तो चैप्टर वन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी दो वीडियोस आ गई हैं, आप देख रहे हैं।
चैप्टर वन में आपकी दो वीडियोस डली हैं। इस प्रकार से आप प्लेलिस्ट को तैयार करके अपने सारे सीक्वेंस के साथ वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।